धर्मशाला से निकल चुके हैं हम आ गया। ये भाई साहब रील के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये नदी हुआ करती थी जो बिल्कुल सूख चुका है, और बस ये है अभी। ये आंटी जी इतनी खूंखार आंखों से देख रही थी हमें। भाई सब भी तैयार हो गए हैं, नया सेक्सी से हेलमेट पहन के। यस यस, कुछ तो था मतलब ऐसा पानी इधर उधर हो जाता है, झील आ रही है अभी तो बहुत गंदा था वैसा है। यहाँ पे हमने मस्त फोटोज़ खींची थी, फोटोज़ कुछ वीडियोस। ये भाई सब मस्त अच्छे से डेडिकेटेड, पहले दिन था तो बहुत एक्साइटमेंट थी इसको फोटोज़ खींचने की, उसके बाद धीरे धीरे ढीला होता गया भी, पर अच्छी फोटोज़ खींची थी। कितना प्यार से फोटोज़ खींच रहे हैं। सो भाई लोग, अभी तक इस वीडियो में ही मैंने कुछ बोला है, बाद में अब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ जो मेन है। सो ये हमारा ट्रिप है धर्मशाला से गिदरबा का। ऑल दो ये ट्रिप था धर्मशाला से गंगानगर का, बट वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा हम गंगानगर क्यों नहीं पहुँचे, गिदरबा क्यों रुके। सो ये धर्मशाला से अम्ब की तरफ जा रहे थे हम, अम्ब होते चंडीगढ़ होते भटंडा वाले रूट पर। अभी अम्ब ये हम बीच में से कहीं से क्रॉस कर रहे हैं, वो आगे से बहुत लंबा था, बीच में से मस्त सा एक रास्ता जा रहा था। यहाँ कभी नदी हुआ करती होगी, पूरा सूख गया अब तो लोगों ने रास्ता बना दिया बीच से, अच्छा रास्ता पूरा, तो बहुत सही है ये वाला रूट। अब यहाँ हमने गलती की, यहाँ से हमने राइट लिया, हमें लेना था लेफ्ट। अभी आपको पता चलेगा कि क्या गलती हुई। सो बेसिकली हमें जाना था चंडीगढ़ साइड, बट हमने मैप पे लिखा था अम्ब, तो लिटरली हमें अम्ब के शहर अम्ब शहर में लेके जा रहा था। राइट लेके हम शहर आता है, और लेफ़्ट अगर हम ले लेते तो सीधा चंडीगढ़ आ जाता। तो पूरा आई गेस 1.5 किलोमीटर हम चले थे इस रोड पर, फिर हमें वापस आना पड़ा इस रोड से ही, और कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर हमारा डिस्कस होगा, हमें यहाँ रियलाइज हुआ रहे एकदम मेन शहर में आ गए, बाहर निकलना था। अच्छा उस तरफ निकलना है, हम लिखा था ना मैप पे। हाँ अच्छा ठीक है, यहीं नहीं रुके थे क्या? पीछे राइट में लिखी थी वहाँ रुके। यहाँ से अब हम वापस निकल पड़े थे, बड़ी देर से कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे थे, और काफ़ी सुबह का टाइम था तो कुछ मिल ही नहीं रहा था यहाँ पे हमें, मैक्सिमम शॉप्स और ढाबा वगैरह बंद थे। एक हमें मिल गया था, बड़ा अच्छा था, अभी आएगा आगे। और ये भी हमारा पहला एपिसोड है IBW 2021 की ट्रिप का। इससे पहले कि आपने दो वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें मैं रहता वैसे दिल्ली हूँ, जिसमें मैं दिल्ली से धर्मशाला अमृतसर गया, अमृतसर से धर्मशाला आया, 15 से 20 दिन मैं धर्मशाला में ही था, वहाँ से अपना सारा काम और वो सब देख रहा था। सो यहीं से हमारा प्लान बन गया कि IBW जाते हैं, धर्मशाला से हम IBW निकल गए। चंडीगढ़ में हमें कुछ कुछ काम था तो हमें वाया चंडीगढ़ होके जाना पड़ा, वरना 50-60 किलोमीटर कम पड़ता अगर हम डायरेक्ट बाहर से निकल जाते तो। ये अब मेरा यहाँ पे काफ़ी देर कैमरा ऑन रह गया था, जैसे ही मैंने हेलमेट उतार के रखा बस कैमरा वो नॉन स्टॉप ऑन था, मैं ऑफ करना भूल गया था। पराठा वगैरह मिल जाएगा भैया? दो आलू पराठा कर दो, तंदूर तवा,
जल्दी कौन सा होता है वह? तंदूर वाला कर दो। तंदूर कौन सा तवा है? तंदूर तो तंदूर तंदूर ना, प्याज मना कर दे ये एक में दोनों में सिर्फ आलू का करना, प्याज मत डालना, सिर्फ आलू का लेना। प्याज रखना चाहिए तो मुझे लगता है सब नहीं क्यों ही डालेंगे। सो मुझे कच्चे प्याज पसंद नहीं है, सो मैं बोलना भूल जाता हूँ, इसको याद रहता है, हमेशा ये भूल देता है, ये मुझे याद दिला देता है। इस टाइम पे काइंड ऑफ इस कार से थोड़ी रेस लग रही थी, नॉट एग्जैक्टली रेस में कब का आगे होता, बट हाँ मतलब ऐसी फ्रेंडली की यहाँ साथ साथ भगा रहे हैं टाइप वाला वैसे था। सो अब ये लेफ्ट हो गया था तो हम फिर बोर हो गए थे अकेले जाते हुए। पूरा भटिंडा वाला चंडीगढ़ से एकदम स्ट्रेट हाईवे, कुछ भी नहीं हाईवे पे, बहुत बोरिंग हाईवे है, अच्छा बना हुआ बहुत। मुझे पर्सनली ऐसे अच्छे हाईवे कुछ खास पसंद नहीं है, अच्छा कुछ आसपास भी हो गया था, आसपास प्लेन बंजर और बंजर तो नहीं, खेत वेत थे अच्छे खासे, बंजर तो कम ही एरिया था। एकदम स्ट्रेट जा रहा है नॉन स्टॉप, मतलब लिटरली 150 तक खींच सकते हो नॉन स्टॉप इस रोड पर। देखो 100-120 में मैं क्रूज कर रहा हूँ, एक एक हाथ ऐसे छोड़ गया, ऐसी चल रही है बस। ठीक है बढ़िया था ये भी। यहाँ से अब हम गाँव आएगा गिदरबा, वहाँ रुक गए थे। उसकी कहानी ये है, हम बहुत लेट हो गए थे, मतलब 9 बज गए थे गिदरबा पहुँचते हुए, वहाँ से अभी गंगाग्राम के जहाँ हमने नेक्स्ट लोकेशन में जाना था, जो हमारा सोचा जो हमने हुआ था, वहाँ पहुँचते हमें लिटरली 11 बज जाते और अभी हमें वहाँ पे होटल भी ढूंढना था। तो हमने कॉल लिया कि नहीं यहीं रुकते हैं, और हमें बाई चांस पता चला कि यहाँ पे मेरे कोई रिलेटिव भी रहते हैं। हमने कहा ठीक है उनके घर ही रुक जाएंगे, इस टाइम तो कहाँ ही कुछ होटल होटल मिलेगा। तो उनसे मिला हुआ था एक दो बार पहले, बहुत सही है, पंजाबी फैमिली है पूरी। हमने कॉल किया उनके घर रुकते हैं तो वहाँ रुके, रात को खाना तो हमने यहाँ ढाबे पे खा लिया था, यहीं सब कॉल वॉल लिया, यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर घर था उनका, वहाँ रुके सबसे मिले, और वहाँ तो रात को सो गए थे टाइम पर, कुछ बेसिक फ़ोटोज़ वोटोज अपलोड करके। नेक्स्ट डे सुबह हमारा प्लान था 5 या 6 बजे निकलना, फिर हमने कॉल लिया नहीं हम सीधे पहले हमारा प्लान था जैसलमेर जाने का और वहाँ 2 दिन रुकने का, फिर हमने कॉल लिया नहीं यहाँ से भी आराम से निकलते हैं, बीकानेर जाते हैं वहाँ 1 दिन रुक जाएंगे, और फिर जैसलमेर 1 दिन, वहाँ 2 दिन नहीं रुकते, वो रूट भी बहुत अच्छा है, और बीकानेर में हमारे कुछ दोस्त हैं उनसे भी मिल लेंगे। तो इस चक्कर में हमने कहा चलो आराम से निकलेंगे, सुबह आराम से उठे, मस्त खाना वाना खाया अच्छे से, 5 बजे निकलने का प्लान था, बट 9:30 के भी बाद निकले हम। मस्त सुबह आलू के गोभी के पराठे खा के साथ में वो बादाम मिल्क पीकर एकदम मस्त वाइट ब्रेड के साथ पराठे खाए, शॉर्टेड मज़ा आ गया था। घर पे खाना खा रहे हैं ऐसा था, और खाई घर पे रहते एक्चुअली, अपने घर की तरह ही था। फिर वहाँ से हम निकल गए थे सीधा, हाँ तो वहाँ से हम सीधा निकल गए थे बीकानेर की तरफ दिन में, और सुबह उनके साथ बहुत सही रहा, वो आप बीकानेर वाले एपिसोड में ज़रूर देखेंगे। और तो ऐसा सीन हुआ था, अभी हम बस यहाँ पे टोल आता है वहाँ से साइड पर कुछ चाय वाय के लिए रुकेंगे, तो ऑलमोस्ट 5 बज गए थे, बहुत थक चुके थे हम, तो बस ऐसा प्लान था। सर्दियों का टाइम था तो इसलिए काफ़ी जल्दी टाइम हो गया था, काफ़ी जल्दी अंधेरा हो गया था, लेकिन हमें ट्रांजेक्शन ब्रेक चाहिए था, दिन और रात वाला वो बहुत गड़बड़ कर जाता है हाईवे पे ऐसे। यहाँ से जैसे ये टोल है सामने, यहाँ से बस हल्का सा टोल बस जस्ट क्रॉस किया हमने, और ये लेफ्ट में छोटा सा ढाबा कम ऐसे कुछ था, यहाँ रुक गए थे, मस्त चाय वाय मिल गई, कुरकुरे वगैरह मिल गए थे, रिफ्रेश हो गए थे अच्छे से। घर पे एक बार बात बात कर ली थी कि हाँ जी यहाँ पहुँच गए हैं, उनको थोड़ा हो रहा था कि भाई लेट हो गया तुम कैसे पहुँचोगे वहाँ तक, वहाँ होटल भी ढूँढना है। मैंने कहा ठीक है हो जाएगा, ये एक टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया हमने, मतलब रिकॉर्ड हो गया, इसको टाइम लैप्स की फॉर्म दे दी हमने, यही मेन रीज़न है जो मेरे
एक्शन कैमरे की। और ये हम गिदरवा पहुंच चुके हैं, उस तरह का मैं कमेंट्री दूंगा। ऑलमोस्ट 8:30 बज चुके हैं, भटिंडा क्रॉस कर लिया हमने। ये पप्पू ढाबा पे रुके हैं डिनर के लिए और अभी कॉल ले रहे हैं कि किधर जाना है। अभी किधर जाना माने गंगानगर ही रुके हैं या उससे पहले किसी जगह पर रुके, क्योंकि गंगानगर यहाँ से ऑलमोस्ट 2 घंटे दूर है। पप्पू ढाबा पर हैं हम, तभी हमने यहाँ पे कॉल लिया, कॉल वॉल करके कि हम गिदरवा ही रुकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसी वाला एपिसोड था, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।